फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं एक स्पेशल सी मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि फेस्टिवल्स में बनाई जाती है स्पेशली। वैसे तो हम लोग लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो पनीर में एक अच्छी सी थिकनेस आ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फेस्टिवल टाइम में जब हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो किस तरीके से इसको बनाया जाए कि ये स्वादिष्ट भी लगे। और हम फेस्टिवल में क्या होता है, पूरियां बनाते हैं तो पूरियों के साथ में भी ये अच्छी लगे। तो ये मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल सी ट्रिक के साथ में। बस आप देखते रहिए कि मैंने क्या इसमें ऐड किया है और कैसे ऐड किया है, ये भी देखना है। मैं आपको टिप्स भी बताते रहूँगी बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, ये जो है सब्ज़ी मैंने बनाई है, ये रोटी, पूरी, नान, चपाती, राइस किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगी। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर बिना प्याज लहसुन के। फेस्टिवल में जैसे बनाया जाता है उस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने ये आधा किलो पनीर ले लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम सफल के मटर लिया है मैंने। इसके लिए जो मुझे सामान चाहिए, मैंने ये तकरीबन 50 ग्राम के आसपास दही लिया है और साथ में लिया है मैंने स्मॉल साइज के, छोटे साइज के 4 टमाटर और 4 ही मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया। आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और ये 20 से 25 दाने मेरे पास हैं काली मिर्च के। मैंने इसमें करना है इस्तेमाल थोड़े बेसन का। इसका मैं इस्तेमाल कब करूँगी मैं आपको बताऊँगी, आप देखते रहिए बस मेरे साथ कैसे बना रही हूँ मैं ये पनीर। फेस्टिवल में हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि लहसुन प्याज नहीं डालना है, तो उसके लिए किस तरीके से बनाएं, तो वही मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले अब क्या काम कर लेना है, पहले मैं दही के अंदर कुछ मसालों को ऐड कर लेती हूँ। ड्राई पाउडर मसाले हैं, मैं दही में ही ऐड कर लूँगी। 1 छोटा चम्मच समझ लिए फुल मैंने मिर्ची ले लिया है, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला है ये, 1 चम्मच ही भर के मैं डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 सौंठ पाउडर डाला है जो कि अदरक का ही होता है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें। तेल गर्म हो गया है मेरा अच्छे से, इसमें मैं सारे पनीर के पीसेस डाल दूंगी। तो मुझे बस हल्का सा फ्राई करना है, इसमें जो एक पानी होता है पनीर के अंदर, बस वो मुझे सुखाना है। एक बॉइल लगाइए और बस अब तैयार है आपकी ये मटर पनीर की स्पेशल वाली सब्ज़ी। कितनी अच्छी बनी है ना। तो फ्रेंड्स, जाते जाते बस आप, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय, टेक केयर।